तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी की खास्ता कचौड़ी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसके लिए पहले हम कढ़ाई गरम कर दिए हैं, उसमें डालेंगे हम जीरा और सौंफ। सौंफ थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 2-3 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा। इसको अच्छी तरह हम रोस्ट कर लेंगे गरम कढ़ाई में। इस तरह मीडियम आंच में, लो टू मीडियम आंच में इसे चलाते हुए हम अच्छी तरह खुशबू आने तक भून लेंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये जल जाएगा। तो देखिए इस तरह भून चुका है, इसे अब हम अच्छी तरह भून गया, कलर चेंज हो गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। अब इसी बर्तन में हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे 5 फोरन। सौंफ, जीरा, गोलकी, सरसों, मेथी सब इसमें डाल देंगे 5 फोरन। उसके बाद जब अच्छे से पक जाए 5 फोरन, तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे कूटा हुआ अदरक और हरा मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है आलू में। तो इस तरह हम चलाते हुए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे मिर्च को। जब हरा मिर्च अच्छी तरह से भून जाए तब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। देखिए अब ये मिर्चा अच्छी तरह से भून चुका है, मिर्च और अदरक। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा गोलकी पाउडर। ज़्यादा मसाला यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम दम गैस का फ्लेम पूरा लो रखेंगे ताकि सूखे मसाले जले ना। और तुरंत इसमें हम नमक डाल दिए हैं स्वाद अनुसार। अब डाल देंगे इसमें हम बॉयल किया हुआ आलू। इसे भी थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलू को पूरा पेस्ट नहीं करना है, इसे मोटे मोटे टुकड़ों में ही रखना है। तो इस तरह भूंजते हुए हम बीच बीच में इसे थोड़ा थोड़ा कट करके मोटा टुकड़ा बना लेंगे आलू का, और मसालों के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आलू भी फ्राई हो चुका है। तो इस तरह मोटे टुकड़ों में अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं आलू को, अच्छी तरह मसाला के साथ भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे वो दरदरा कूटा हुआ जो मसाला फ्राई किए थे, सौंफ का और जीरा का पाउडर। वो भुना हुआ था इसीलिए लास्ट में इसे हम डालकर मिला देंगे। इस तरह सौंफ का पाउडर बनाकर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें डाल देंगे रोस्ट किया हुआ बादाम, धनिया पत्ता बारीक काटा हुआ, और किशमिश भी। आप जो अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश, काजू भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डाल दिए हैं किशमिश, बादाम। अब इसको हम कचौड़ी बनाने के लिए सूजी लिए हैं, 1/2 kg सूजी है केवल। और इसमें हम डाल दिए हैं 2-3 चम्मच के लगभग थोड़ा सा आटा, और इसमें हम रिफाइंड डाल दिए हैं। खास्ता कचौड़ी बनाने के लिए रिफाइंड डालना बहुत ही ज़रूरी होता है।
अब इसको हम पानी के साथ डालकर अच्छी तरह सूजी को मिक्स कर लेंगे, एक साथ गूंथ लेंगे हम। तो देखिए इस तरह सूजी का डो तैयार कर लिए हैं। इसको हम आधा घंटा छोड़ दिए थे रेस्ट करने के लिए। अब इस तरह से लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। तो इस तरह हम छोटी छोटी कटोरी बना लेंगे सूजी का, आटा का, जो कि बहुत ही खास्ता कचौड़ी बनता है इससे। तो इस तरह सभी को हम इस तरह छोटा छोटा गोल कटोरी बना लेंगे। अब इसमें हम जो स्टफिंग बनाए थे आलू का वो भर लेंगे। तो देखिए इस तरह से चम्मच से दबा दबा कर ये जो आलू का बनाए थे हम मसाला वो इस तरह दबा दबा कर भर लेंगे कटोरी का शेप देकर, और इसे बंद कर लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। अब जितना बड़ा छोटा चाहें अपने पसंद का, इस तरह सभी कचौड़ी में हम इसी तरह भर लेंगे। तो देखिए बहुत सारा आलू लेकर हम इसमें अच्छी तरह बंद करके और इस तरह दबा दबा कर कचौड़ी का शेप दे दिए हैं। तो सब उसी तरह देखिए इस तरह हाथों से दबा दबा कर एकदम पतले लेयर में सूजी का कचौड़ी तैयार कर लेंगे। इसे बेलना नहीं है, हाथों से दबा दबा कर हम इस तरह बना लेंगे। अब इधर कढ़ाई में हम रिफाइंड डाल दिए हैं, गरम हो गया है। अब इसमें दो या तीन आपका जितना अट सके उतना हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो पहले तो तेल एकदम गरम होना चाहिए, उसके बाद डालने के बाद इसका गैस का मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम, ताकि बहुत ही खास्ता कचौड़ी बनेगा। अगर आप तेज आंच में फ्राई करेंगे तो ये कुरकुरा नहीं बनेगा। तो देखिए इसको हम उलट पुलट कर अच्छी तरह सेक लिए हैं। इसको फ्राई करने में लगभग 10 मिनट लग जाता है, 10-11 मिनट। एकदम धीमे आंच में करना है। देखिए एकदम फूल गई है कचौड़ी, एकदम फूला फूला बना है ये, और एक भी आलू बाहर नहीं निकला है। तो आप इस तरह घर में बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिए। समोसा जैसा बिल्कुल इसका स्वाद आता है, इतना करारा कचौड़ी बनता है। आप इसे चटनी सॉस किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और कमेंट में बताइए कि आपका कैसा बना है ये कचौड़ी। तो देखिए इसी तरह हम सारी कचौड़ियों को अच्छी तरह फ्राई कर लिए हैं और एक भी आलू बाहर नहीं निकला है। सूजी का आटा का जब डो लगाते हैं तो उसको हार्ड नहीं रखिए, सॉफ्ट रखना है। इस तरह बनाने से आलू बाहर नहीं निकलेगा और कचौड़ियाँ बनकर एकदम करारी कचौड़ियाँ तैयार है।